दोस्तों आज हरियाणा के गुरगांव सुल्तानपुर झील नेशनल पार्क के सामने मनु भैया जी शनि धाम में पहुंच चुके हैं और कहा गया है कि राम राम की लूट है, लूटी जाए से लूट, अंतकाल पछताएगा और प्राण जाएंगे छूट। तो भैया हम पहुंच गए हैं आज सनातन वैदिक रीतियों के बीच, जहां पर विश्व का बड़ा महायज्ञ रोजाना होता है। तो आज बात करेंगे परम पूज्य मनु भैया जी से बेबाक अंदाज में कि कैसे बनाएं भारत को विश्व गुरु, क्योंकि बहुत सारे दल, राजनीतिक दल हो या अन्य सामाजिक दल हो, वो अपने नाम का प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं। तो इस बात की अगर हम आज एक गति कहें इसको या शुरुआत कहें, इसकी शुरुआत एक महंत, एक महात्मा या सिद्ध पुरुष ही बता सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन, ये सवाल परम पूज्य मनु भैया जी से हम करते हैं। तो प्रभु आपको सादर वंदन, नमन, प्रणाम। प्रणाम सभी को, जीएनएन न्यूज एजेंसी को भी प्रणाम, और आवाज हरियाणा की खास मुद्दे सुशील सियाग को भी मेरा प्रणाम, और यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों को प्रणाम, जो दर्शक है उनको भी प्रणाम। और आपने बहुत अच्छी बात की कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो राम नाम की लूट तो मची है, लेकिन राम जो थे उनको बिना वाल्मीकि जी के कोई नहीं लेके आता ही था। और जो आज वाल्मीकि समाज है वो राम को तो पूज नहीं रहा है, स्वयं उन्होंने वाल्मीकि जी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो भगवत तुल्य है, भगवान है, और भगवान की महिमा भी बढ़ाते हैं भगवान राम, और वो बस लग गए हैं छोटे छोटे देवताओं को पूजने में। और वो देवता ऐसे हैं कि माँ शादी का भोग भक्षण करके भी और उनकी ओट लेके खुद भी ये वही काम करने लगे हैं, और लोगों का अच्छा और बुरा दोनों कर रहे हैं, कोशिश करते हैं अच्छा कम होता है, बाद में जो अच्छा हुआ है अभी वो भी बाद में बुरा बनकर सामने आ जाता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात है आध्यात्मिकता की। भारत विश्व गुरु है तो महात्मा बुद्ध वो बहुत सारे देशों में गए, वो आध्यात्मिक थे, परचम लहराया भारत का, इस भारत धरा का, भारतवंशियों का। और दूसरी बात, योगानंद जी गए, विवेकानंद जी गए, और इनके अलावा जो है गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसी भक्ति वेदांत जी गए, और बहुत अच्छी ऐसी भक्ति वेदांत जी की, स्वामी प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी जो गीता की व्याख्या है वो तो अच्छी है ही। पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी एक स्टोरी जो मूवी बनी है उसको लेके वो दिखाई गई है, और उन्होंने उसका बड़ी विशद व्याख्या की है अपने शब्दों में, और उनका जो है लोगों को संबोधित किया है इसी भक्ति वेदांत जी के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में। तो भारत विश्व गुरु योग को लेके था, ध्यान धारणा समाधि को लेके था, भारत विश्व गुरु जो था भक्तों को लेके था, भगवान को लेके था। लेकिन भारत जो विश्व गुरु है वो ना तो कभी राजनीति को लेके हुआ, ना कानून को लेके हुआ। भारत अगर विश्व गुरु हुआ तो हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर से हुआ, कृपा से हुआ, और वो आज भी अगर विश्व गुरु कहीं कहलाने लायक है तो वो उसी से होगा, उन्हीं पावन परम पुनीतियों से होगा, रीतियों से होगा। आप ये बात लगा लें कि 10,000 करोड़ पीपल के वृक्ष हो तो मानव समाज पर कभी जीवन में आपत्ति आ ही नहीं सकती, भारत भूप है। तो हम पीपल लगा नहीं रहे हैं, पीपल को उल्टा काट रहे हैं, पीपल को चुड़ैलों का पेड़ मान रहे हैं, पीपल को प्रेतों का पेड़ मान रहे हैं, और पीपल से डर रहे हैं। पीपल 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें अनाज देता है हम उसी से, जो हमें श्वास देता है हम उसी से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो हमारा वर्चस्व तो कभी कायम नहीं होगा। हम उस यज्ञ से डर रहे हैं जिसमें पीपल की लकड़ियाँ काम आती थी, और पीपल की लकड़ियाँ जब पीपल इतना ऑक्सीजन देता था तो उस धरा को ऑक्सीजन ही देती है, और जब वो जलती है तो अग्निदेव जब उसको स्वीकार करते तो पीपल की जो खुशबू है और पीपल में जो देवताओं का वास बताया गया है, देवता उसको भोग करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उसके ग्रहणता का क्या लाभ है, उसकी ग्रहणता का ये लाभ है कि हमें वो प्राप्त होती है,
और हमारे रोग कष्ट सब भागते हैं और भारत विशाल व समृद्ध बनता है और फिर से एक समृद्ध आकार देता है। तो भरत खंडे जम्बू द्वीप ऐसे जो ये जम्बू द्वीप है, जो ये भरत खंड है, जो ये भारत माता है और जो ये पावन धरा है, ऐसे ये विशाल बृहद और बड़े वृक्ष के रूप में जानी जाती है जो पूरे संसार का नियमन करती थी। वो भारत भू आज केवल भारत के ही विस्तार तक सीमित रह गई है, उसके लिए भी उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमारी संस्कृतियाँ खत्म हो गई हैं, चारों वेद के अंतर्गत जिस यज्ञ की हम परिभाषा जानते हैं उस यज्ञ को हमने घर पे करना बंद कर दिया है। जिस सत्य को हम ईश्वर स्वरूप मानते हैं उस सत्य को हमने बोलना बंद कर दिया है और हम एक ये बड़ा यज्ञ है, एक जो द्वीप यज्ञ है जिसको भारत के सारे हिंदूवासी करते थे वो भी हमने तकरीबन करना बंद कर दिया है। वो भी कभी कभी राजनेताओं द्वारा गंगा के किनारे कभी कभी देखा जाता है वर्ष में एक बार, वरना तो वो भी देखा जाना हम दुर्लभ हो गया है। पहले दिवाली पर इतने दिए लगाते थे लोग, मुझे याद है कि मेरा जब बचपन था तो मैं देखता था कि हम छोटे छोटे होते थे, हमारे हाथों में एक एक छलनी होती थी, छालनी जिसको बोलते हैं, जिसके जिसमें छेद होते हैं जिससे हम अनाज जो है वो कटते हैं, इसको पहले वो क्या कहते हैं लोहार बनाया करते थे, उसमें दीपक रख के हम प्रत्येक घर के बाहर रख के आते थे और सौ सौ घरों के बाहर हम दीपक रख के आते थे। ऐसे दीपावली पर, छोटी दीपावली पर प्रत्येक घरों के सामने दुनिया भर के दीप रखे जाते थे और वो उसके घर के सामने और सब रखते थे, सबके घरों की लड़कियां जाती दूसरे दूसरे घरों के सामने दीपक रख के आती और खील बांटती हुई जाती, खील बांटती हुई जाती। इसी तरह ये जो यज्ञ है ये होना बंद हो गया बिल्कुल और बहुत सारे यज्ञ कि प्रभु आपके घर में सुख हो, समृद्धि हो, ऐसे ही रोशनियाँ रहें और वास्तु दोष कभी लगे ही नहीं, तब कभी किसी को वास्तु दोष भी नहीं होता था। अब तो पता नहीं कितने तरह के दोषों ने जन्म ले लिया। मैं मनु भैया शनिदेव का भक्त, शनिदेव की इतनी स्तुतियाँ लिखने के बाद आज तक भी शनि से बचने का उपाय कभी किसी को बताता नहीं, हंसने का उपाय बताता हूँ, क्योंकि शनि से अगर आप बच गए तो आपके जीवन में सुधार नहीं आएगा और अगर शनि की ग्रह में आप आ गए तो आपका जीवन जो है वो देवताओं का जीवन हो जाएगा, ये आप मनु भैया से सीख सकते। अगर कष्ट ही नहीं है जीवन में तो देव भी आप कभी नहीं बन पाओगे, आपकी प्रकृति वैसी ही रहेगी जैसी इस संसार की, तो आपके जीवन में कष्ट का होना भी आवश्यक। सुख स्वप्न दुख बुलबुला, घर आए मेहमान उसका आदर कीजिए, जो भी दे भगवान, तो हमें उसका सबका आदर करना चाहिए। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो पुष्ट केवल यज्ञ से हुई, पुष्ट केवल अध्यात्म से हुई, पुष्ट केवल योग से हुई और पुष्ट केवल आयुर्वेद से हुई। आज भी आपको तो लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयाँ बिकती हैं, लेकिन अगर आप विदेशों में देखेंगे तो उनके यहाँ अंग्रेजी दवाइयों का चलन खत्म हो रहा है और वो हमारे आयुर्वेद को अपना रहे हैं। और आप डाबर का अगर विदेश का टर्नओवर देखोगे तो इतना अपने देश का नहीं है जितना उनका विदेश का है, और या बड़ी कंपनियों का देखोगे तो इतना अपने देश का नहीं है जितना उनका विदेश का है। जो विदेशी लोग हैं वे हमारी जड़ी बूटियों का पान कर रहे हैं और हम जो लोग हैं वो अंग्रेजी दवाइयों का रात दिन पान कर रहे हैं, और उससे हो क्या रहा है कि हमारी एक बीमारी ठीक नहीं होती, उससे पहले चार बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी को शुगर हो जाए तो पता चलेगा भाई उसका फैटी लीवर भी हो गया और उसका क्या कहते हैं उसको वो ये सर्वाइकल भी हो गया, माइग्रेन भी ठीक, और बीपी भी रहने लग गया भाई, थायराइड भी हो गया, पता नहीं कितनी बीमारियां जन्म लेने। जबकि संसार में हमारा अपना जो वर्चस्व है ना तो वो कभी राजनीति के कारण कायम हुआ, क्योंकि राजनीतिक अगर परिवेश से देखें हम तो उसमें वो पिछड़ा हुआ है। आज कहने को कोई कहता होगा कि ये जो देश है ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र कब लगता है कई बार, क्योंकि हम अगर देखें तो भ्रष्टाचार में हम अग्रणी से होते जा रहे हैं, जैसे हमारी होड़ लगी हुई है कि हम कितने आगे पहुंच जाए भ्रष्टाचार करते हुए भ्रष्ट होते। अगर आज भारत में शमशान की भी कोई दीवार बननी हो, ये वही भारत भूमि है जो ऋषियों की परंपरा है, लेकिन अगर कोई शमशान की दीवार बननी हो और उसका टेंडर छूट जाए उसी तो उसके टेंडर में भी रिश्वत खाई जाएगी, रिश्वत नाम का कीड़ा उसमें भी लग जाएगा। गाजियाबाद में केस हुआ, शमशान से लोग घर से शमशान में जाते हैं,
लेकिन एक दिन शमशान से घर में आए, 24 आदमी मारे गए, एक छत गिर गई शमशान, पता चला टेंडर ही नकली था, टेंडर में ही घपला था, जिसने बनाया था उसने कहा जी 80 लाख रुपए मिले थे इस छत को बनाने के लिए, 40 तो रिश्वत में चले गए और 40 मेरे पास आए, 16 मैंने इसमें लगा दिया, बाकी जो 80 लाख रुपए दिए हैं सरकार ने नपत के हिसाब से, अगर उसमें 16 लाख रुपए लगेंगे तो छत तो गिरेगी गिरेगी भाई, लेकिन आदमी मरेंगे ये कल्पना तो हम नहीं कर सकते ना, ठीक है ना, तो दीवार भी गिरेगी। और जब कितनी ग्लानिपूर्ण बात है ये कि जब भारत की शमशान में ही कीड़ा लगा हुआ है रिश्वत नाम का, तो भारत बचेगा कैसे, भारत भूखों बचाओगे कैसे और ये समाज सुधरेगा कैसे। तब परंपरा तो ये है कि हम अपनी पुरानी जो रीतियां हैं उन पे कायम हो, अपने वेदों पे कायम हो, यज्ञ भी करें, सत्य भी बोले, आर्य भी बने और जो फालतू की चीजें हैं उनको छोड़े, ठीक है, फालतू के जो दोस्त बता के हमारे घर लूटे जाते हैं उनको छोड़ दें, उन बकवासों को छोड़ दें, निराधार तथ्यों को छोड़ दें और केवल सत्य को ग्रहण करें और सत्य पर वर्त करें, हमारी खोज पूर्ण हो ताकि, और हम ऋषियों ने जो खोजा था उसको वहीं तक ले आएंगे तो भी हमारा फिर से उद्धार हो जाएगा, कि उन्होंने ये खोजा था हमने ये आज पा लिया है, इतना काम हमारा परिपूर्ण हो गया। जय श्री, जय श्री प्रभु। एक सवाल और है, आपके यहाँ वर्षों से बहुत बड़ा हवन चलता है, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक आपके यहाँ हवन चलता है, बहुत दूर दूर से विभिन्न राज्यों से लोग आपके यहाँ आते हैं, लेकिन लोग हवन अपने घर में भी करवाते हैं, तो ऐसा क्या खास होता है आपके यहाँ हवन होने में कि वो अपने घर के हवन से ठीक नहीं होता हो पाते, उनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उनके घर में पड़ी रहती हैं, वो निकलती नहीं है उनके यहाँ हवन करने से। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सवाल ये है कि मैं एक संकल्प को लेकर यज्ञ करता हूँ, जैसे कोई आदमी जादूगर बनना चाहता है और जब वो एक दो कला सीख लेता है तो वो एक दिन बहुत बड़ा जादूगर बन जाता है, क्योंकि उसका संकल्प होता है, वो संकल्प पे काम करता है। मैं भी अपने एक संकल्प पे काम कर रहा हूँ कि निगेटिविटी आज के युवाओं में बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में बढ़ती जा रही है। कल मैंने दिखाया आपको, दो लड़कियाँ छोटी छोटी आई और मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जब निगेटिविटी आ गई उनके सर खेलने लगे और उनकी धाराएं बदल गई, उनके अंदर से कुछ कुछ बोलने लगा। अब डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बता दिया, फिर कुछ और बता दिया, फिर कुछ और बता दिया, माँ बाप का पैसा तो काफ़ी लग गया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने ऋषियों की परंपरा को जीवित रखा होता, उजागर रखा होता और भूत प्रेत को ढोंग ढकोसला नहीं मानते, तो उन आत्माओं को जो मलिन है अपने शरीर से निकाल के बाहर करते और वो निगेटिव ऊर्जा जब बाहर होती तो हमारे बच्चे स्वस्थ हो जाते, या आते ही नहीं, या हम बचपन से ही यज्ञ करते, या बचपन से इसी उद्देश्य से कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बिल्कुल स्वस्थ रहे, हमारा मनोमय जो विकार है वो समुदाय के लिए खत्म हो और हम ध्यान धारणा समाधियों में विचरण। देखिए कबीरदास जी का मैं एक दोहा पढ़ता हूँ कि माला फेरत झुक गया मिटा न मन का भेद, कर का मन का डाली के मन का भेद, है ना, और वो पंडित भया है, क्या था वो कौन सी है बताइए जरा, पढ़े सो पंडित में ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित देखना चाहता हूँ, है ना, क्या है वो भाई, बड़ा अच्छा दुआ है। तो कबीरदास जी ने कहा मन का भेद, यहाँ कबीरदास जी ने पूरे जीवन का सार बता दिया, जैसे आप जब मन पे बैठ के जप करते हो तो मन की दो तरंगें होती है, एक विचारों की और एक आवागमन की, तब आप दोनों तरंगों को पकड़ लेते हो, मन पे ऊपर नीचे दो जने आप जप कर सकते हो और कोई भी करके देखे मेरी गारंटी है, अगर उसको निगेटिविटी होगी तो 2 मिनट में उसको पता चल जाएगा, 5 मिनट में पता चल जाएगा, हद होगा 15 मिनट में निकल के सामने आ जाएगा, और अगर किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं होगी तो वह व्यक्ति अपने आप को इतना सूक्ष्म, इतना हल्का और स्थूलत्व से बाहर पाएगा और अपनी ऊर्जाओं को संचारित कर पाएगा। तब आज के युवा अगर ऐसा करने लग जाए, केवल मनु भैया का कहा सोच के ही धारण कर लें, तो उनको पता चल जाएगा इससे बड़ा मंत्र आज तक किसी ऋषि ने किसी साधु ने दिया नहीं है, और जिसने दिया उसने तो ये कह दिया भाई छिपा के रखना, और छिपा के क्या रखना, पत्नी जाके गुरु दीक्षा ले आई, पति ने शाम को पूछा क्या ले आई, बोले तुझे क्या मतलब,
नहीं समझे। अगले दिन पूछा रे भाई क्या ले आई, तुझे क्या मतलब। अब जब रोटियों का टाइम हो और जब उसके खाने का टाइम हो तब उस ध्यान पे बैठ जाए और गुरु जी का मंत्र जपे। अब पति पूछ रहा है कि तुझे क्या मिल गया ऐसा। अब वो उसको कह रही है नहीं बताने की चीज नहीं, ठीक है। झगड़ा और हो गया घर में उस गोपनीय मंत्र से, ठीक है। वो गोपनीय मंत्र आपने दिया किसी के कल्याण के लिए, किसी का झगड़ा कराने के लिए। पहली बात तो इस संसार में कुछ भी गोपनीय है नहीं, बताइए क्या गोपनीय। तारे आपकी दृष्टि के सामने कर दिए भगवान ने, आसमान आपकी दृष्टि के सामने कर दिया भगवान ने, चंद्रमा आपकी दृष्टि के सामने कर दिया, सूर्य आपकी दृष्टि के सामने कर दिया, पेड़ पौधे आपकी दृष्टि के सामने कर दिए, पशु पक्षी आपकी दृष्टि के सामने कर दिए। उसने कुछ छिपाना होता ही नहीं, कुछ छिपा लेता। सबसे पहले उसके पास छिपाने की तो बहुत सारी चीजें थी, क्या मंत्र कोई छिपा पाए। शब्द तो कभी छिपता नहीं है ना, शब्द तीव्र आघात करता है। तब अच्छे शब्द छिपा लिए जाए और बुरे बुरे फैला दिए जाए तब वायु में तो कंपन होगा ही होगा, तब वायु तो दूषित होगी होगी। तब जो अच्छे शब्द हैं, जो ओम अच्छा शब्द है, ओम तत्सत अच्छा शब्द है, वो लिखा हुआ है हमारे वेदों में कल्याण के लिए, ठीक है। मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आध्यात्मिकता को प्रशस्त करने के लिए, शरीर के जो है सारे अणु परमाणुओं तक पहुंच करने के लिए और शरीर के सभी अंगों को विशुद्ध करने के लिए ये लिखा हुआ है। इनका हमें अवलंबन करना चाहिए। अगर हमने इनको छिपा दिया तो फिर हमें प्राप्ति ही क्या होगी। तो हमें प्राप्ति के लिए तो मंत्र जप ही करने पड़ेंगे ना। ऐसे तो मंत्र का जप भी किया जाता है, लेकिन कुछ मंत्र क्या किया जाता है, जैसे गायत्री एक मंत्र है उसी है ना, ओम ध्यान से सब अंतर में गायत्री को देख रहे, वो हमारे पूरे शरीर का भाव हो रहा है, इस सकून का ध्यान कर रहे इसका, ठीक है। ऋग्वेद में आया है, यजुर्वेद में चार बार, क्योंकि धन संबंधी तो उसमें करना चाहिए। तो कुछ मंत्र मन का रान, अगर मन पे उसे आधा घंटा नहीं लगता ये पता करने कि आपका युवा जानना चाहता, वो ये नहीं चाहता मेरे दो पैसा बताइए इसमें कितना है, उस रोकोटर माइग्रेन घुटने की पीड़ा बता, समाज की गलत है चिकित्सकों की गलती नहीं, क्योंकि उनकी कोई ड्रेन होती थी, वे परंपरा से उनका गुरु उसको क्या करता, उसका गुरु रो गया था। इसको अपने छोटे बच्चों को अफीम चटा के सुला दिया करते थे, आज वही अफीम जो है करोड़ों गोलियों के अंदर प्रसारित होता है कि नहीं होता, टैबलेट के अंदर वे अंग्रेज ले गया आधी चीज, भाई अफीम मिलाया जाओ सुलाए जाओ नींद की दवाई में। नहीं जी ये बातें कोई गहनता से सोचता नहीं है, तब हमारे आयुर्वेद पे भी अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं नहीं, धीरे 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 उन्हीं के कुछ साथ ले रहे। अंग्रेजी दवाइयों में भी बहुत सारी ट्यूब ऐसी हो सकती है जिनमें हल्दी मिलाई जाती हो, वो एंटीबायोटिक दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है, सार है, वो क्या ठीक नहीं करता है, दुनिया भर के पेट के रोग ठीक करता है दुनिया। आप आज भी देख लो, मुझे तो शक है पेट के दर्द की, पेट के रोग की जितनी गोलियां पीली पीली सी नजर आती है, मेरे को तो ये लगता है उनमें कड़वी हल्दी मिली हुई, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग देखते नहीं, गहराई से देखेंगे जांचेंगे तो आपको पता चलेगा। आप फिर भी पुराने उस पर ढर्रे पर लौट कर आओगे, पुरानी राह पर लौट कर आओगे तो आपको पता चलेगा वो राह तो उन शेरों ने प्रशस्त किया है जो भारत भूखे वीर थे, जो भारत भूखे सनातन के युवा थे और जागृत करने वाले बड़े बड़े महर्षि थे जी। पैसे की मोहब्बत से कैसे निकले मनु भैया, और पुरानी पद्धति पर कैसे आई ये लोग, इसी बात पर हमारी बात हो रही थी। सुखी इश्तिहार जी से आप सुबह से हम चर्चा कर रहे थे, तो आपको नहीं यही होता था, वो बात हो रही थी कि कितना बड़ा धाम है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और कहीं कोई पत्ती भी नहीं करती है, पार्किंग के लिए गाड़ी कोई चार्ज भी नहीं है। नहीं, पार्किंग की भूमि जो है वो हमने साल में 1,00,000 रुपये पे ली हुई, तो भला उनका 2 साल से 1,00,000। यही बात हमारी हो रही थी कि किस प्रकार से आप इतना बड़े धाम का जो मेंटेनेंस कर पाते हैं और इतने जो लोग आपके यहाँ आते हैं ये ठीक भी होते हैं, अब ये ठीक कैसे होते हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है जी, ना भी ठीक हो लेकिन मैं तो चाहता हूँ हृदय से सारे ठीक, और ठीक ना भी हो तो भी मैं ये जानता हूँ ये अच्छे स्थान पर आए, एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ इनका एक भाई बैठा हुआ है, वो इनको देश की परंपरागत सनातन नीतियां समझा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। अगर इनके बीच में से 200 में से 190 आदमी ठीक हो गए अपने घर चले गए तो इनको भी ये दुआ देनी चाहिए कि भाई 190 का तो
कलेश कटा जीवन भर के नहीं समझे, तो उनके कष्ट तो कटे। आप ये देखिए कि शनि धाम के अलावा आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, मुझे इतनी गणना करके दिखा दीजिए जितने लाभ यहाँ होंगे। और लोगों को वो दवाइयों पे डाल रहे हैं, छुड़वा तो किसी की नहीं रहे, ये बताइए मुझे। और उससे लोगों के जो शारीरिक हार्म हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, नॉलेज ना होने के कारण मैंने अपनी युवा अवस्था में, क्योंकि 25 साल के बाद मैंने ये किया है, उससे पहले मैं दर्द की दवाई अचानक से कभी भी खा नहीं सकता और यहाँ तक कि ये बिल तो अपने साथ ही रखता था। बाद में एक बार मुझे थोड़ी एलर्जी हुई, मैंने ये बिल ली, मुझे पहली बार जिंदगी में चक्कर आया और मैं कोई चीज पकड़ के बैठा, तब मैंने सोचा और मेरा दिल दिमाग सब शून्य हो गया। हालांकि मेरे को नाद सुनाई दिया बहुत जोर से, लेकिन मैंने सोचा ये दवाई तो एक दिन में आदमी का हार्ट अटैक कर सकती है, एक पल में मुश्किल लगाए, ये उस दिन में बच गया। जैसे उस दिन मैंने जीवन की एक राह पाई, सबक सीखा कि ये एविन से इतना नुकसान हो सकता है किसी को। आज मैं बच गया, चाहे वो अंदर ही अंदर मेरे रोगों से लड़ रही थी, मुझे ठीक कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, लेकिन एक टाइम पे तो प्राण पे बढ़ गई और पता चला ये भी कितनी खतरनाक है, जो आदमी लेता है इसको खा लेता है। जी अभी बता रहे थे कि ये मोह ममता पैसा इसके चक्कर में तो लगा है इंसान, सुशील जी ने भी कहा। हाँ, उससे पैसे पीछा छूटे और लोग उससे पीछा जब छूटता है, जब उसका काफी हद तक भर जाता है और फिर वो देखता है मुझे शांति नहीं मिली, मेरी पीड़ा है और मिली, तब वो इन सब में उलझ के रह जाता है, तब वो भागता है महात्माओं की शरण। आपने देखा होगा कि कोई महात्मा भारत में ऐसा नहीं हो रहा जिसके पास 10-20 बड़े रोग ना जाते। ठीक है, एक मन भैया को छोड़ मेरे पास तो जो आता है वो आता है, थोड़े दिन लोगों में बैठता है, बोर सा होता है, चला जाता है। अब वो उन महात्माओं के पास आते हैं, वे उनके कामों के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। ठीक है, मान लिया किसी के पास भारत का कोई बड़ा नेता चला जाए तो वो कहेगा जी मैं आपका ये यक कर दूंगा, वो यक कर दूंगा, आप घबराइए नहीं, आपके काम अगली बार टिकट, ये पक्का वो पक्का। अब मनु भैया ऐसा तो कुछ पक्का करते नहीं, एक काम कहते हैं भाई प्रेत और पितृ दोष, प्रेत से और पितृ से जो रोग हुए वो, और दूसरा क्या जो आपके शारीरिक बंधन किए गए हैं, विद्या बंधन, ये वो जो प्रेत से और पितृ से ही संबंध है वही काम करते हैं। तब ऐसे में कोई मेरे पास ठहरेगा भी क्यों? अब मैं ये भी नहीं कहता भाई तेरी संपत्ति बढ़ जाएगी, जब मेरी नहीं बढ़ गई तो मैं उनकी कहाँ से बढ़ाऊंगा। सही बात तो ये भाई 20 साल में मैं जहाँ का था अटका हुआ, जब मेरी बढ़ेगी तभी तो उनकी बढ़ेगी, मेरी बढ़ नहीं रही है तो उनकी कहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, और जो महात्मा गण होते हैं वे अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन उनकी संपत्ति तो तकरीबन लोगों के काम ही आती है। मनु भैया अपनी संपत्ति बढ़ा नहीं रहे, बढ़ नहीं रही, कारण क्या है? ये बढ़ाई जा सकती, कारण ये है कि शनिवार एतवार को मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं उनसे 1-1 करोड़ रुपए हर शनिवार एतवार को कमा सकता हूँ, लेकिन हमें मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो मेरे बच्चों का भी विकास ना कर पाए, ना तो पैसे से किसी की संतान का विकास हो, पैसे से केवल आपका पालन पोषण होना चाहिए और जरूरत के जितना आपको मिलना चाहिए कि आपका कोई कार्य भी का ना रहे। और मैं और एक बात बता देता हूँ पूरे समाज को, समाज में अगर किसी के पास पैसा है तो वो इसलिए है कि उसके जितने रिश्तेदार और मित्रगण हैं और जितने उसके मिलने वाले हैं वो उनको उठाने के लिए है, वो पैसा इसलिए नहीं है कि वो अपनी शेखी बघारे और वो उनमें बैठ के ये कहे कि मैं पैसे वाला हूँ और तुम गरीब हो, वो उनको सहारा देने के लिए भगवान देते हैं। और आदमी उस भूल में रह के अपनी पताकाएं फहराता जाता है नरसिंह भगत की तरह, और फिर एक दिन नरसिंह भगत सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आ जाता है, और फिर जब उसके पास भात भरने के पैसे नहीं होते तब भगवान आगे बढ़ने पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है इसने त्याग किया, तो इसका मतलब त्याग श्रेष्ठ हुआ, और त्याग हम नहीं करेंगे तो फिर गीता का ज्ञान अधूरा ही नहीं। सुशील जी के दिमाग में एक बात आ रही थी, कल मैंने देखा था ये भी लग रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आप ये भी लगवा रहे थे, तो ये कहने लगे तो पत्रकार हैं तो पत्रकारों की तो आदत होती है ना चार बातें करने की, तो इन्होंने कहा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई कहता है 1.25 लाख मंत्र करने से या 1.25 करोड़ मंत्र करने से ये हो जाता है वो हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं वही ना करा लूं जिससे मुझे ज्यादा जल्दी लाभ मिले, तो इनका सवाल का पूर्ति कीजिए आप। वो ये ब्राह्मणों से करा सकते हैं, मेरे किसी ब्राह्मण भाई का पेट भर जाएगा, बस इतने ही है, इनको 1-1.25 लाख रुपए तक की आहुति देनी पड़ेगी, तो किसी न किसी ब्राह्मण से करा सकते। कोई भी सुशील का नाम जरूर डाल दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मैं भी ऐसे ही किसी किसी को आधार बना लेता हूँ। ओमपाल नहीं होता तो ओमपाल को ही आधार बना डालते हम, और सुशील नहीं होता तो सुशील को आधार बना डालते। ये तो क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, आधार बना डालना चाहिए। वो बिना आधार के अपनी बात को कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा भी कथा बता के समझा के ही उनके उनको आधार रख के ही तो ही बड़ी बड़ी बात बता पाते। तो इन्होंने आधार रखा ही, तो उनका शुक्रिया है कि उन्होंने सुशील को आधार रखा, और सुशील के माध्यम से जनता बहुत सारी बातें, पीड़ित बहुत सारी बातें, और भक्त लोग बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। तो आपने क्या कहा फिर से मुझे बताइए। एक बार यज्ञ करने से जी अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, हाँ, तो 1,25,000 मंत्र या 1,25,000,000 मंत्र करवाने से तो बहुत ज्यादा ठीक हो जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, 1,25,000,000 मंत्र में समय लगता है, वो समय हम पीड़ित को धीरे धीरे देते हैं, और आपको पता नहीं है कि जब तक मैं उसके 5 या 8 यज्ञ करता हूँ, तब तक वो 1-2 लाख मंत्र जब खुद करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो शनि धाम से जुड़ता है उसका ओम नमः शिवाय ओम चालू हो जाता है। ये लोग तो अभी मुझे सुन रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों की तो जीभें चल रही होगी, जैसे उस बच्ची की चल रही है, देखो 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 उसकी चल रही है, मेरे पीछे बैठे हुए होगी 1-2 की चल रही होगी इधर, तो इनको अभ्यास पड़ जाता है ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे बहुतों की जीभें चलने लगती है। तो जब तक वो 8 बार आते हैं उनका 1,25,000 तो खुद ही कर लेते हैं। अब आपने ब्राह्मण को बता दिया 1,25,000 जब चलना है, अब ब्राह्मण आपको तो करने नहीं देगा, आपको तो इसी काम पे लगाए रखेगा। जी शाम को ये सामान चाहिए, ये खाना खाना है, ये फल खाने हैं, दिन में ये फ्रूट चाहिए, एक पेप्सी लेके आ सकते हो, महाराज जी को कब्जी हो रही है थोड़ी सी बैठने में, एक है ज्यादा खिला दिया था शाम को, ये कर सकते हो, नहीं समझे? तो वो जो 1,25,000 है वो तो मैंने आपसे ही पूरा करा देना है, और वहां आपको 1,25,000 रुपया उसका दान करना है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, पंडितों को दान करना है, ठीक है ना? और दान में एक बात बताऊं, अगर 2-4 चांदी के सिक्के ना हो ना, पंडित का मन नहीं बनता। मैं पंडित ही हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं पंडित ही हूँ भाई, वो ये ना समझे त्यागी ब्राह्मण नहीं बनते, लेकिन मैं एक मूल बात बता रहा हूँ कि 2-4 अगर चांदी के सिक्के ना हो तो पंडित का मन भी नहीं बनता। ससुरा सोना ना हो वैसे, लेकिन चांदी के सिक्के जरूर चाहिए उसको टांगने के लिए, घरवाली को दिखाने के लिए, देख यजमान का पाठ करके आया और ये चांदी लेके आया तेरे लिए, रख ठीक है जी, और चांदी में 2100 रुपए का नोट दे दिया तो और भी कीमती बात हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव। सवाल और उठता है कि आपने कहा 10,000,00,000,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 
10,000 ही लगा दिए, अनगिनत गिनती की हम बात कर रहे हैं। हाँ, अनगिनत पौधे लगा दिए जाए पीपल के। हाँ। और फिर आपने कहा कि लोगों का मानना है कि उस पर प्रेत या चुड़ैल रहती है। हाँ। इस डर से वो नहीं लगाते हैं, तो ये कौन लोग हैं जो ये मानते हैं कि प्रेत और चुड़ैल रहती है इन पेड़ों पर, और वो लोग कौन हैं जो प्रेत और चुड़ैल को मानते ही नहीं है? दरअसल तंत्र में, तंत्र ग्रंथों में ऐसे कई सूक्त हैं या कई मंत्र ऐसे हैं जो पीपल के पेड़ पर कील गाड़ते हुए और उनको आधार बनाकर और अमुक यानी कि अमुक के स्थान पर अपने शत्रु का नाम लिखकर वे गाड़े जाते हैं, और वो जितने साल तक वो कील गड़ी रहती है उतने साल तक फलाना आदमी पीड़ित रहता है, उस पर धागा बंधा रहता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत अनियंत्रित अभिमंत्रित क्रियाएं हैं जो लोग करते हैं, और तंत्र ग्रंथों में बोलते हैं कि हमने बोल दिया कि मंत्र सारे कीलित है। अब हमने ये मान लिया कि मंत्र सारे कीलित है, लेकिन वो कीलित हमारे लिए तांत्रिकों के लिए नहीं है, उनके मंत्र फलित हो रहे हैं, हमारे कीलित है काम है भाई, फिर क्या करेंगे हम? नहीं समझे अब, जब बीमारी बढ़ी ही गई तो फिर दवाई खाने का कोई फायदा नहीं ना, तो हमारा कोई मंत्र कीलित नहीं है, पहले तो यही सुन लीजिए आप। और भगवान के मैंने इतने मंत्र जाप किए हैं, इतने मंत्र जाप किए हैं कि कोई साधारण आदमी कभी इतने मंत्र जाप नहीं करता। असल में तो मैं किसी एक गुरु का चेला था नहीं, मैं तो सीधा भगवान का चेला था, और भगवान के ही पैर मैंने पकड़े, भगवान के ही दबाए, इसलिए मैं बहुत सारे मंत्रों का जाप कर पाया, और प्रत्येक मंत्र का स्तंभन देख पाया, किसी का वशीकरण देख पाया, किसी का ताड़न देख पाया, किसी का मारण देख पाया, किसी का विद्रावण देख पाया, किसी का द्रम्भण देख पाया, और किसी का विद्वेषण देख पाया, और किसी का आकर्षण मोहन आकर्षण देख पाया, और किसी का वशाकर्षण देख पाया। तो ये 10 है, ऐसे मिला के 10 क्रियाएं है। वैसे 6 को मुख्य माना जाता है ना, मारण उच्चाटन ताड़न विदारण विद्वेषण और वश्याकर्षण और मोहनाकर्षण। तो इनको
जो ये क्रियाएं हैं इनको करने वाले आज संसार में बहुत है। चोरी छिपे की क्रिया बहुत करते हैं ना लोग, है ना, उनको बहुत होते हैं करने वाले। तो जो चोरी छिपे की क्रियाएं हैं वे तो बहुत करते हैं, और जो सीधी सामुदायिक क्रियाएं वे कम करते हैं। कितने लोग यज्ञ करते हैं बताइए आप? हम यज्ञ केवल विशिष्ट अवसरों के लिए औषधि मानने लगे हैं। यज्ञ को नया मकान लेना हो तब करवा लिया दुनिया को दिखाने के लिए, नया मकान बनाना हो तब करवा लिया दुनिया को दिखाने के लिए, कोई भूमि लेनी हो तब करवा लिया दुनिया को दिखाने के लिए, और शादी में तब कराते हैं फेरे गिरने के लिए। अगर इनके बिना भी काम चल सकते हैं ना, तो भारत का हिंदू ये भी काम कर सकता है। लेकिन ये हमारी वैदिक परंपरा है, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर क्यों छोड़ते? एक अभी अभी जो मरा है वो परम श्रद्धे है हमारे लिए, इसलिए उसके लिए मौन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दिखावे के लिए सारे जाप भी कराते हैं और सब कुछ करते हैं। कोई कोई तो गया जी तक घुमाता है और सारे काम कर लेता है कि नहीं कर लेता है। बाद में बहुत सारे लोग अपने माता पिता की उनकी मृतावस्था के बाद भी पूजा करते हैं जब वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। अगर वो सात्विक भाव में नहीं थे, सबसे पहली बात तो ये, ऊपर वाले का नाम नहीं लिया, माता पिता यही रहेंगे, आपको दिखाई देंगे सपनों में। सपनों में आत्माएं तब दिखाई देती है या तो तृप्त हो या अतृप्त हो, और अतृप्त ज्यादा है, तृप्त तो ना के बराबर ही रह गई है, और जो तृप्त हो गई है वो तो ऊपर के लोगों में चली गई, वो ना दिखाई भी दे रही है। लेकिन जो अतृप्त भटक रही है वे आपके शरीरों में घुस रही है, वे दिखाई भी दे रही है, परेशान भी कर रही है, आपके रोग आदि को बढ़ा भी नहीं। जय श्री। यहाँ तक पहुंचे आप, अब इंटरनेशनल हो चुके हैं परम पूज्य मनु भैया जी, नेशनल चैनलों पर दिखने लगे हैं मनु भैया जी, अन्य अन्य नामों से पुकारे जा रहे हैं मनु भैया जी, लोग ये सोचकर आपके पास आते हैं विभिन्न राज्यों से कि अब हमारी जो पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी, इसका निवारण वहीं मिलेगा मनु भैया जी शनि धाम पर। तो यहाँ तक पहुँचने में आपने क्या संघर्ष किया, क्या अपना अनुभव शेयर करेंगे? यहाँ तक पहुँचने में जब मैं लगा था 2015 में, उस समय मैं बैठता था और मैं किसी से एक रुपया नहीं लेता था, और जब मैंने 2004 से शुरू किया तब भी मैं किसी से एक रुपया नहीं लेता था। तो 2004 से 2015 तक मैंने कभी एक रुपया इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, बस मेरा घर का गुजारा चला, ठीक है जी, हम मेरे घर का किराया करा, मेरे बच्चे पढ़े और हमने दो रोटी खाई केवल, ना मैं कहीं घूमने गया बहुत ज़्यादा, ना मेरा कोई खर्च था, ना मैंने कुछ खाया पिया, ऐसे ही सेम रहा स्थिति में। फिर क्या हुआ, जब ये स्थिति चली और उस टाइम 2015 और 16 में मैंने इतनी मेहनत की कि मैं एक आसन पे बैठ के, आप कोई सोच ही नहीं सकता, 14 घंटे 18 घंटे एक ही आसन पे बैठा बैठा काम करता था, और केवल यज्ञ के सामने रहता था, नारियल डालता रहता था, और अग्नि जैसे 50 का तापमान लग रहा है, कभी 70 का, कभी 60 का, अब थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ तो पता चलता है अग्नि का, लेकिन उस समय तो पता नहीं कौन सी ऊर्जा काम करती थी, वो धीरे 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 प्रबल होता चला गया और आज इस मुकाम पर पहुँच गए। लेकिन मैंने नाम नहीं छोड़ा, नाम छोड़ने का मतलब यह है कि भारत के बहुत ही सिद्ध महात्मा हुए, उन्होंने 12 वर्ष तप किया, 12 वर्ष तप करने के बाद उनके पास तप का फल था, उनके 10 करोड़ शिष्य थे इस भारत में, उसके बाद वो जेल चले गए। मैं तो ये मानता हूँ कि पता नहीं उसके बाद उन्होंने तप किया कि नहीं किया, लेकिन जेल जाना तप का लक्षण नहीं था, 10 करोड़ शिष्य का जुड़ना उन 12 वर्ष की साधनाओं का लक्षण था। लेकिन मेरी साधना अनवरत चल रही है, एक भी दिन बिना छूटी मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ प्राण इसी में निकल जाए, क्योंकि जब इतना कर लिया है, इतना जीवन गुजार लिया है, 25 साल के बाद 47 साल हो गए, 22 साल के लगभग होने जा रहे हैं, तो जब इतना जीवन गुजार लिया है इसी में, तो अब क्या बाकी क्या रह गया, और देखने को तो कुछ है ही नहीं पहले से ही संसार में, क्योंकि संसार केवल विश्वासघात करना जानता है, आपका इस धरा पर कोई नहीं है, जिस दिन आपको पता चलता है उसी दिन भगवान की शरण में जाते हैं, उससे पहले तो भगवान की शरण में भी नहीं जाया जाता। जय शनिदेव। जय शनिदेव। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल्वर सिल्वर पड़त निशान। तो देखो भाई, एक जमाना शुरू हुआ, उस जमाने से अब तक की कहानी पूरी रचना आपके सामने रखी परम पूज्य मनु भैया जी ने, और इस धाम को आप बहुत वर्षों से देख भी रहे हैं, आप लोग आ भी रहे हैं, आप ठीक भी हो रहे हैं, और आपको पता है कि ऊपरी बाधा क्या होती है, पितृ बाधा क्या होती है, प्रेत बाधा क्या होती है, कुपित वायु क्या होती है, और इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या रोग होते हैं,
ये आपको रोज देखने को मिलता है किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, इंस्टा के माध्यम से हो, आपको सारी चीजें यहाँ से लाइव भी दिखाई जाती हैं और बतौर बहुत अच्छी तरह से समझाकर भी दिखाई जाती हैं। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर देश में या विदेश में कहीं भी आप हैं और आप किसी भी समस्या की वजह से आप यहाँ नहीं आ सकते, हरियाणा नहीं आ सकते, मनु भैया जी शनि धाम नहीं पहुंच सकते, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वीडियो देखकर आप अपने घर पर दीप दान कीजिए, शनिदेव महाराज को तेल दान कीजिए, आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप कीजिए, इससे भी आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और अगर फिर आपको मौका मिलता है तो पूरे परिवार सहित रुख कीजिए मनु भैया जी शनिधाम गुरुग्राम की तरफ और यहाँ आइए, अपनी समस्याओं से निवारण पाइए, बिल्कुल ठीक हो जाइए। हम लोग पत्रकार हैं, BJAMC करके आए हैं, इग्नू से पढ़े लिखे हैं, हमारे समाचार पत्र रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार से, हमने ये बात मानी है कि वाकई में शनिदेव महाराज के इस शनि धाम में परम शक्तियां विराजमान हैं, जिनसे हमारे को भी काफी शक्ति प्राप्त हुए हैं, काफी समस्याएं हमारी हल हुई हैं, बहुत सारे ऐब हमारे निकले हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आपके भी निकलेंगे। जय शनिदेव। जय देश लास्ट हुआ कहेगा, देश में बहुत सारे धाम है और शनि धाम है, वहाँ के जो साधु है, मंत है, महात्मा है, अलग अलग नामों से बाबा ये कह देते हैं, कोई कुछ और कह देते हैं, अपने दुख दर्द में कहीं ना कहीं वो सरकार की चपेट में आ जाते हैं किसी न किसी कारण से। बहुत सारे बाबा साधु जेल के अंदर और शनि धाम में आप जो करण लग रहे हो, लगातार 20-22 साल उतार लग रहे हो आप जो भक्ति की शुरुआत करी वो, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? वो इतनी अगर भक्ति या तो उन्होंने भक्ति नहीं की, भक्ति की तो फिर उन्होंने इस चीज का दंड कैसे लिया? ये अंतर समझाओ थोड़ा। साधु जो है उसका चाहिए कि उसको एकांत सेवन अगर वो करे तो, या अगर वो गृहस्थ है तो अपने बच्चों की शक्ति करे, वरना तो उसका एकांत सेवन वन का होना चाहिए। और वहां भी उसको अपना एक एक कदम भूख के रखना पड़ता है। मेरी दो ही लोकेशन मिलती है, एक शनि धाम के यहाँ पर और दूसरी मेरे घर पर, इसके अलावा मेरी कोई तीसरी लोकेशन है ही नहीं कभी। तो अगर कोई आदमी इल्जाम भी लगाएगा किस तरह, एक जो आदमी आते हैं वे देखते हैं मनु भैया क्या कर रहे हैं, उनको मेरा तप पता है, पसीना पता है, उनको पता है भाई ये आदमी जैसे व्यवहार का है, जैसा इसका बाना है और जैसा इसका कर्म है, उनको पता है कि मेरा भी खुद का कोई दिखावा नहीं है, कोई अंगली में अंगूठी नहीं है, कोई हाथ में गले में कोई माला नहीं है, कहीं कोई, मैं तो ब्राह्मण होने के नाते भी, ब्राह्मण होके भी, जबकि मेरे दादा ने मेरे पिता ने सारी उम्र वो पहने जनेऊ, जनेऊ भी नहीं पहनता हूँ मैं, शरीर पे अपने कुछ नहीं रख सकता चार कपड़ों के अलावा। जैसे ही मैं शरीर पे अपने पांचवी कोई चीज, जैसे ये मैंने दो अभी दो बहनों ने आज राखी के रूप में पहनाई है, ये मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 घंटे रख पाऊंगा, इसके अलावा मेरे से रखा नहीं जाएगा, मुझे ही पता चलेगा कि कुछ चुभ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ चुभ रहा है, मैं उसको रख नहीं पाऊंगा। हाँ जेब में तो मैं इसको रख लूंगा 10 दिन की, लेकिन शरीर पे नहीं रख पाऊंगा। तो ये मेरे साथ हुआ ही नहीं है कभी भी, मैं घड़ी नहीं बांध सकता, ठीक है तो मैं बहुत सारे काम नहीं कर सकता, और मैं पेड़ पे भी नहीं चल सकता, है ना, मैं दौड़ नहीं सकता बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। मैंने देखा कि मैं भगवान का नाम स्वच्छ तरीके से लेता हूँ और लेता रहूँगा सदा, और यह करता रहूँगा, और मैंने देखा यह विशेष शक्तियाँ उत्पन्न होती है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, आपका आधार ये एक दिन में तैयार नहीं होता, यहाँ तक आप एक दिन में कभी नहीं पहुँचते, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बड़े थपेड़े समाज लगाते हैं। जब मैं पहले शनिदेव महाराज की भक्ति करने लगा तभी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मुझे, कभी ये कह के अरे तू तो यार किसकी भक्ति करने लगा, तो तारा है वो, तो ग्रह ही तो है और क्या है, तू भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर पाता? अरे भाई सब स्वरूप भगवान के हैं, अगर किसी का गुरु धरती का कोई आदमी नहीं है, शनिदेव है और उसका इष्ट भी शनिदेव है, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है। अरे तुम्हारा कौन है भाई, तुम बताओ, मैंने तो अपने के दर्शन भी कर लिया, छू भी लिया, देख भी लिया, तुम बताओ तुम्हारा जो गुरु है तुमने उसके दर्शन भी कर लिया, छू भी लिया, देख भी लिया? मैंने तो छुआ देखा तो मेरा जीवन बदल गया, तुम्हारा तो यही घट नहीं बदलता, उल्टा तुम्हारा गुरु और इसी जीवन में आ जाता है। तो पीछे एक बाबा हमारे सामने आया कि उसमें एक महिला ने बयान दिया, कहा कि अपने पति को कहा उसने तन के पति, और अपने बाबा को कहा उसने वो है उसके मन के पति, तो
नारायण साकार हरि उनकी वजह से 123 लोगों की जान वो भूल गई। भगवान सबके हृदय पति है ना, हृदय में निवास करते हैं, तो सबके पति भगवान ही है, सबके हृदय में निवास करते हैं। अब वो दिखाई ना दे क्या दिक्कत है, हमने देखा ना हो लेकिन पति तो है ना, तो वो तो मेरा भी पति है, ओमपाल जी का भी पति है, सुशील जी का भी पति है, मेरे पीछे खड़े जितने होंगे सबके पति वही है। अभी तो ऐसा ही पति वो इंसान भी था जिसकी वजह से 123 लोग खत्म हो गए। ये इसमें दरअसल क्या है, आज फिर वही जैसे न्यूज नेशन वालों ने ऑपरेशन पाखंड दिखाया, अब वो पाखंड दिखा तो रहे हैं लेकिन बाबा के यहाँ जा भी रहे हैं और वो बता भी रहे हैं भक्तगण हम ठीक हुए, इसके पीछे का कारण नहीं जान पा रहे भाई ये ठीक क्यों हुए। इनको सबको प्रेत बाधा है, भगवान के नाम से जहाँ कहीं पब्लिक जुटती है वहाँ घंटा होता है, शोर बजता है और वो प्रेत जो शोर नहीं सहन कर सकता वो भाग जाता है, तब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम भी बन जाते हैं, जब निगेटिविटी दूर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और बहुत सारे लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं, वो रोग ठीक होने में बाबा को कारण मान लेते हैं। मैं तो कभी भी कारण नहीं रहा, मैंने जब किया शब्द से शक्ति हुई उत्पन्न, अग्नि देवता ने मेरा भाग दिया भगवान को और ये ऐसी प्रक्रिया है, देवता साक्षात आता है, साक्षात आता है तो साक्षात काम भी करता है और वो सब लोगों को दिखाई देता है। जब मैंने भोग दिया भगवान, भगवान ने ग्रहण किया और साक्षात लोगों को आशीर्वाद दे दिया, तो वो क्या होता है कि नारायण साकार हरि के पास बहुत सारे लोग हैं, अब उनमें से दो ने कह दिया तो भगवान है ठीक है। आपने पीछे एक सीरीज भी देखी थी, एक विदेश से एक महिला आके उस बाबा को जो कहते थे क्या बोलते थे, बोलते तो थे क्या, नाम जप नाम जप जप नाम, तो जप नाम वाले बाबा को एक अंग्रेजी महिला मिली और उसने जो है उनको नया पाठ पढ़ा दिया और बाबा भगवान बना दिया। तो आजकल किसी भी व्यक्ति को भगवान बनाया जा सकता है और भगवान बनने का आधार भी तैयार है पहले से, क्या तैयार है कि सबको निगेटिविटी घेरती जा रही है, उस निगेटिविटी को निकालने में दो चार लोग पारंगत हो जाते हैं उनके जैसे। मैं ये ना बता के कि भाई आपका ये रोग ठीक हो जाएगा कैसे, अब मैं न्यूज नेशन वालों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं एक काम करूँ, मैं उनको कहूँ भाई ये गाय है तो इस पर आधा घंटा आप गिराओ, ये गौ माता है अभी सेवा करो, अभी के अभी आपके दर्द चले जाएंगे, यहाँ मैं उस आदमी के लिए जप कर रहा हूँ उसके दर्द चले गए, उसने कहा बालाजी बढ़िया उपाय बताया, ये तो गाय की सेवा करने से मेरे दर्द गायब हो गए, वो माता हो गई उसके लिए। आप देखिए यही गाय की जगह, चलो गाय तो जो है हमारे यहाँ ऐसा पशु जिसको हम राष्ट्रीय पशु भी कह सकते हैं और जो हमारी माता भी है, जिसके हर धन से हमें लाभ है, जिसके छूने भर से भी हमें लाभ है और जिसकी गोबर की आहुतियां भी हम अग्निदेव में डाल सकते हैं, यज्ञ भाग में लगा सकते हैं। सब होने के बाद भी सरकार ने इसे राष्ट्रीय पशु नियुक्त नहीं किया, हृदय में नियुक्त है ना, जब लोग साकार हरि को क्या कहते हैं अपना पति मान सकती है महिलाएं मन से, तो हम हृदय से अपनी गौ माता को माता भी नहीं मान सकते क्या, जिसकी चराचर वेदों में चर्चा है कामधेनु के रूप में सुरभि के रूप में, जिसकी चराचर भारत भूमि के सभी राष्ट्रीय ग्रंथों में मूल मूल में चर्चा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में कि मैं पशुओं में तो गौ माता हूँ, आए ना समझ में, सुरभि हूँ कामधेनु भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे, तब हम उसको क्यों ना अपना धन माने जो हमें निर्धनता से धनी बनाती है, और वाकई में हम सब निर्धन हैं लेकिन गो दुग्ध पान करने के लिए मिल जाए और गो धूली हमें सर पे लगाने के लिए मिल जाए और गो माता साक्षात हमें सेवा करने के लिए मिल जाए और उनका दुग्ध जो है वो हमारे बच्चों के काम आ जाए, तो वो हमारे लिए धन बढ़ाने वाला है, धन वृद्धि करने वाला है, तब हम उसको अनंत ऊर्जाओं के साथ रह सकते हैं। एक बार मैं यहाँ बैठ के जप कर रहा हूँ और गो माता के सामने जप कर रहा हूँ, एक ही लाभ मिलेगा। अब मैं इसका एक अनुपम उदाहरण बता देता हूँ, एक बच्चा वो पागल जैसा हो गया, उसकी 2 साल से पढ़ाई छूट गई, मैंने उसके घर पे बैठ के 4 दिन का उसके जो उनका फार्म हाउस था वहाँ बैठ के 4 दिन का मैंने भजन किया, ऐसा ही मौसम था 4 दिन लगातार बारिश हुई, मैं बारिश के पानी में नहाया और वहाँ गायें गायें थी, गायों के बीच में बैठ के मैंने जप किया, 4th दिन मुझे भगवत दर्शन हुआ, वो लड़का ठीक हुआ बिल्कुल, जबकि वो लड़का ना मेरे पास था, वो घर में रहता था मैं वहाँ था, ना तो मैंने अपना यज्ञ शुरू करने में उसको बुलाया ना यज्ञ समापन करने में उसको बुलाया, लेकिन जब वो धाराएं आई ऊपर से मेरे शरीर के अंदर तब मैं समझ गया वो बच्चा ठीक हो गया और मैं अपने घर चला आया, मैंने कहा प्रसाद बना के बांटने, और जब उनका बच्चा ठीक हो गया तब वो पीछे पीछे आया, उसने कहा मैंने तो आपको कुछ दिया नहीं, मैंने कहा मुझे क्या दे रहे हो भाई, मेरे गाँव में शनि का मंदिर बन रहा है आप उसमें जो लगाना चाहो लगाओ, तब उसमें जितना सरिया लगा 80,000 रुपये का वो उन्होंने ही लगाया था, तो मैंने तो गौ माता का ही तो चमत्कार है, इसलिए हमारे वेदों हमारे
क्या कहते हैं पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर आप गौ माता के समक्ष बैठकर या उनके समीपस्थ बैठकर जो जप करते हैं उसका कई हजार गुना फल मिलता है। तब ये मैंने अपने जीवन में चरितार्थ होते हुए देखा, तभी तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। और सुनिए, ये मंत्र शक्ति जैसे आपने आपके साथ आया, आपको भी साथ लेके आए ड्राइवर, हमने उसकी माँ के घुटनों में दर्द थे जी न्यूज वाले के, उसको दूर से ठीक किया कि नहीं। अब हम उसकी माँ को उसको ये कहें अपनी माँ को फोन कर तेरे दर्द बढ़ेंगे, लेकिन अगर दर्द घटे हैं तो वो बढ़ेंगे कैसे बताएगी, ठीक है ना। तब कोई भी जादूगर ये काम क्यों नहीं कर पाता है, ये जादू तो है नहीं, ये मंत्र शक्ति है, ये शब्द शक्ति है जो दूर को प्रभावित करेगी ही करेगी। और शब्द बहुत तरह के हैं, कुछ शब्द जादू भी दिखा पाते हैं मेरी माँ, और उनकी भी श्रेष्ठता है, वो उस काम में दक्ष होते हैं और उस काम को बहुत गहराई से करते हैं। लेकिन सारे काम हमें इसी गहराई से करने चाहिए, हमें भगवत प्राप्ति भी गहराई से होगी, बाहर से नहीं होगी, कि बाहर से हम भगवान से जुड़ गए और अंदर से हम जुड़े हुए हैं नहीं, तब गहराई रहती नहीं। तो इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं सात्विकता के साथ ईश्वर को साक्षी रखकर करें, वरना तो एक दिन मैं यही काम करूँगा, भाई तू ये मुर्गा ले जा, इसकी दो दिन सेवा करेगा, इसको वो खिलाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, तब मैं विशिष्ट हो जाऊँगा, भगवान हो जाऊँगा क्या, ठीक है। ये अपने हाथ से कुछ निकाल के देने रख जाऊंगा, दो घंटे जाप कर दिया, ये मोती पकड़ा दिया जी, महाराज जी ने मोती दे दिया। समय पहले आपने हमने देखा कि करौली कोई सरकार है, करौली सरकार के नाम से कोई बाबा है, उसके यहाँ से भी कुछ लोग आपके यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था लाखों रुपए उनसे दे दिए। देखिए आप हर महीने में कम से कम 5 लोग ऐसे देख सकते हैं जो कानपुर से लुट के आते हैं, इसका मतलब कानपुर पूरा ठगी का अड्डा हो चुका है, और सबसे बड़ी आध्यात्मिक लूट कई हजार करोड़ की वहाँ हो चुकी है। अब एक बात बताओ, लोगों से पैसे लूट के तो ये कह दे मैंने तो टैक्स भरा, मतलब बात होगी भाई ये तो है जी, हाथ उठा के वो कहे निर्मल बाबा कि भाई तूने गधे गधा देखा क्या, बोला जी गधा देखे 6 महीने हो गया, कभी कभी मन में भाव होते हैं, तो जाओ तो देख लेना और गधे को वो खिला देना समोसे या चारा खिला देना। अब भाई आदमी इस बात को बता बता के ऐसी ऐसी बातें 10,000-20,000 करोड़ रुपया लोगों से ले जाए। देखिए भारत का आदमी सबसे पहले तो ये चाहता है उसके पर्स में पैसे हो, जैसे मनु भैया के पर्स में है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि कोई आदमी ये कहता है भाई ये चीज पर्स में रख लो तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, बस अगले दिन से आधे हिंदुस्तान के वही चालू, उसने कहा नया पर्स ले लो। अब लोगों की सेल हो रही है भाई, पर्स वालों की भाई लाइन लगा खड़े, पता चले कि जिस दिन का प्रोग्राम है वहाँ पर्स वाले ज्यादा है, वैसे कम है, पता चले वहाँ महाराज जी ने कहा नया पर्स ले, तो कोई 400 का खरीद रहा है, कोई 800 खरीद रहा है, कोई 1,000 का खरीद रहा है, कौन सी चीज कम दिखा। और मैं तो कल एक आदमी का फोन आया मेरे पास कि मैंने आपके यहाँ प्रथम बार जो नारियल दी है आप मुझे उसके पैसे लुटा दीजिए। तो आप बताइए, मैं उससे पूछना चाहता हूँ भाई तू नारियल भी दे गया, तू सामान भी दे गया, अब उसमें आदमी की 15% बचत, 20% बचत, चलो 30 मान लिया, तू बचत ले ले चल मेरे से, मैं तेरे को पैसा कहें दूँ उसका, तो तूने अपना यज्ञ नहीं किया है, ठीक है। वो मान नहीं रहा तो मैं कह रहा हूँ भाई तू आके ले जा, अब बताओ इसमें मैं क्या करूँ, तब भी कह रहा है बूढ़ा घुसक तू जालिम हो चुका है। तो बताओ भाई मैं क्या करूं, है कि नहीं। मैं तो उसको ये भी कह दिया भाई तू आके ले जा, ठीक है, लेकिन ये मत कह मैंने जो यज्ञ किया है उसके पैसे दे, क्योंकि बेटा ये निराधार बात हो जाएगी और विश्व में ये गलत तरीके से चली जाएगी, क्योंकि मैं तो काम ही कर रहा हूँ, नहीं समझा, मैं तो भाई यज्ञ करा रहा हूँ, अब तो तुम्हारी मर्जी है ना, जेब तो नहीं काट रहा, जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, तो जिनके पास पैसे नहीं है उनका भी यज्ञ नहीं करा रहा, उनको ये कह रहा हूँ तुम बैठो जब सारा यज्ञ हो जाएगा तो मैं 5 घंटे जब करता हूँ उसमें शामिल हो लेना, यही तो बात है। लेकिन उसको भी भारत का आदमी सोचता नहीं, कई बार वो अपना स्तर गिरा देता है, वो जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो उसी को नहीं सोचता, मेरा ये सलीका है ये तरीका है, मैं इतनी चीजें पे खर्च करता हूँ, बार बार थोड़ी थोड़ी जगह जाके मैं क्या कहते हैं कभी कोई प्लेट खा रहा हूँ, कभी कोई प्लेट खा रहा हूँ, कभी कोई प्लेट खा रहा हूँ, यहाँ के 200-400 रुपये का हवन उसने कर लिया, मेरे लिए तो किया अपने लिए ही करके गए, और जिस यज्ञ से दुनिया ठीक हो रही है उस यज्ञ को वो पश्चाताप बता रहे, तो भाई ऐसा पश्चाताप आप मत करो, किसी ने फिर भी यहाँ शनि धाम में यज्ञ किया है वो आके पैसे ले जा सकता है। अभी पीछे मैंने देखा कि कहीं से भी कोई भी आदमी आता है जी, उस आदमी को आप यदि की वेदि पर बिठाते हैं, उसके मंत्रों के साथ आप उनको हवन कराते हैं, और यहाँ पर जो अनेकों लोग हैं वो उनके पुरोहित बनते हैं, उसके बाद जब वो यज्ञ जब समापन पर जाता है तो पता लगता है कि लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो लोग जो यज्ञ कर रहे हैं अपने मंत्रों को जी सिस्टम से,
तो कैसे लाभ होता है लोगों को, क्योंकि अब तो आप तो यज्ञ से पूछिए, यज्ञ देवता से हरिया यजमान से पूछिए, गुरु जी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो वो कम से कम महसूस करें कि आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी इंसान वहां जाकर अगर यज्ञ करता है तो लोगों को लाभ पहुंचता है। नहीं वो तो न्यूज नेशन वाले भी कर सकते हैं, जी न्यूज वाले वो क्या बोलते हैं, वो कौन से खड़े था प्रत्यूष खड़े, ठीक है ना, जो रहते हैं डरे डरे, ठीक है, हरे हरे श्री राम हरे हरे, यहाँ बैठ के यज्ञ कर लेंगे, देख लेंगे ठीक है कैसे लोग ठीक होते, मनु भैया का यज्ञ क्या है। तो यज्ञ की जो पत्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, आपने इस यज्ञ कुंड की स्थापना किस उद्देश्य से की है, और फिर आप उसमें कोई भी मंत्र की आहुति डालेंगे वो मंत्र वही काम करेगा भाई। एक सबसे पहली बात तो ये है, मैंने काली को सिद्ध कर लिया, काली माता को मैंने आधार मान लिया, और मैंने जब काली को आधार मान के उनका जप किया, माता की तरंगे मेरे अंतर में आई, तब मैं दुनिया का कोई भी जप कोई भी मंत्र करूँगा मेरा सब मंत्र स्वागत करेंगे, सब मंत्रों का निष्पीलन अपने आप हो जाएगा, सब मंत्रों का उत्पीलन अपने आप हो जाएगा और सब मंत्र काम करेंगे। एक आपका आधार क्या है, मंत्र को आपने किस लिए जपा है, देखिए मंत्र को पुष्टि के लिए जप रहे हैं, ठीक है, मंत्र को धन आदि मांगने के लिए जप रहे हैं, मंत्र को मोक्ष के लिए जप रहे हैं, तब आपका जपने का आधार क्या है, मेरा जपने का आधार है उन पुण्य आत्माओं को और उन अतृप्त आत्माओं की तृप्ति करना जो आप सबके शरीरों में घरों में अड़ी खड़ी हैं और आपको क्या कहते हैं इस बात के लिए बाधित कर रही है कि नहीं मेरा ये काम नहीं किया तो मैं उल्टा कर दूंगा। हमारे पितृ हैं दुनिया भर के, हमारे पितृ हैं, वे हमें कष्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पूर्ति तो हो नहीं रही, वे ऊपर तो गए नहीं है, नीचे प्रेत के रूप में बन गए, अब वो व्यर्थ हो गए, उद्विग्न हो गए, ठीक है, अब वो भग्न हो गए हैं और अब उनका जो क्रोध का पारावार है वो बहुत ताकतवर है। देखो मैं यूपी की एक घटना बता रहा हूँ, बहुत ही सत्य घटना है, आप जाके पता भी कर सकते हैं, मैं नाम भी बता दूंगा। मैं एक मास्टर जी थे उनके घर सोया हुआ, क्या थे मास्टर जी, मैं उनके घर सोया हुआ, रात को मुझे सपना आता है कि एक बहुत छोटा बच्चा आता है, उसकी कमर में एक छेद था, ठीक है, वो मेरे पास आया, उसने बाबा बाबा किया, उसकी कमर में छेद था और मैं देख रहा हूँ सपन में कि मेरे हाथ में एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन में मैंने दूध भर रखा है और मैंने उसकी कमर के छेद में डाल दिया। अब मैंने उसकी कमर के छेद में पहले झांक के देखा तो उसमें कीड़े चल रहे थे, क्या चल रहे थे, कीड़े चल रहे थे, कितना अजीबोगरीब केस था, ठीक है, लेकिन मैं देखता था कि मेरे को जो सपन है वो सिद्ध है, यानी कि मेरे को सपन सिद्धि हो गई थी। तब मैंने उन मास्टर जी को बताया कि एक छोटा पितृ है मास्टर जी और वो बहुत छोटा है, उसकी कमर में कीड़े पड़े हुए हैं और उसकी कमर पे कई छिद्र थे जिनमें से एक छिद्र में मैंने दूध डाला और वो संतुष्ट हुआ और फिर पता नहीं कोई देवता उसका हाथ पकड़ के ऐसे तेजी से ऊपर की तरफ आकाश में। अब उस मास्टर जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, हाथ जोड़ के वो दंग रह गए, उनकी आंखों में आंसू भरे, यूं बोले जी हम तो जब यहां भी नहीं आए थे और कहीं पहले बाहर गांव में रहते थे अपने पुरातन गांव में, ये तबका केस है हमारा, हमारे सारे बच्चों में सबसे बड़ा एक लड़का हुआ था, उसको लेके हम मारे मारे फिरे इस पूरे भारतवर्ष में और उसकी कमर में छेद हो गए थे, वाकई में उसको कीड़े पड़ गए थे, वो बच्चे का उद्धार आज आपकी कृपा से, कितनी बड़ी बात की है ये मैं दुनिया के लिए बता रहा हूं, ये मास्टर जी के लिए भी कुछ नहीं होगा ये किस्सा, और मेरे लिए ये सब कुछ था, ये मेरा अनुभव था, क्या था अनुभव, ऐसे पता नहीं लाखों करोड़ों अनुभव मेरे पास है और वो तो नहीं पड़े हैं, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे जैसे आज मैंने उसका बताया गो के सामने जप करने का और तीन दिन में उस बच्चे का ठीक होना बताया, और एक बात बता दूं, उनके जो चाचा थे उस बच्चे के, ठीक है, यहीं पास में ही गाँव है, मैं नाम नहीं बताना चाहता अभी, पास में ही गाँव है, मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर कोई आएगा ये कहेगा हाँ जी दिखाओ तो वो मिलाएंगे जाके, ठीक है ना, क्योंकि मिलने से ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा एक दिन मैं और हमारी धर्मपत्नी हम दोनों जो है वो एक नजबर वाले रोड पे एक बड़ा सा शोरूम खुला है, किसी बच्चे के लिए कपड़े लेने गए थे, जब हम उसमें गए तो एक बहुत लंबे तगड़े हट्टे कट्टे 6.25 फुट के जवान ने मेरे पैर छुए और उसने कहा मुझे अंकल जी पहचाना मुझे, और मेरे सामने रख के वो खड़ा हो गया, चूंकि ये मेरे पिता के संबंधी थे इसलिए वो अंकल जी कह रहे थे, हमारे पिता के मित्र थे वो कपूर जी, तो मैं खड़ा था, तो जब मैं खड़ा हो गया और वो मेरे सामने खड़ा था तो मैं उसको पहचान नहीं पाया बहुत देर तक, मैंने इससे कहा तेरे पहचान में आता है, बोलो मैंने तो कभी नहीं देखा इसको, तो उसने कहा नहीं पहचानिए पहचानिए, फिर वो अपनी मम्मी को लेके आया, मैंने उसकी मम्मी को भी नहीं देखा, अब उसने कहा ये आपके पहचान में आई ये मेरी मम्मी है,
फिर उसने बताया मैं अक्षय हूँ। कौन हूँ? अक्षय हूँ जिसको आपने ठीक किया था। तब मुझे वो जो बच्चा था उस टाइम इतना था, फिर वो पूरा 6 फीट का जवान हो गया, तो भाई कहाँ पहचान में आता। तो ये आपके अनुभव हैं, आपके अनुभव आप तक हैं। जैसे कबीर दास जी का एक अनुभव नहीं था, कबीर दास जी का एक अनुभव ये नहीं था कि ये पत्थर की मूर्ति क्या कर सकती है, लेकिन मेरे लिए तो जो कागज की तस्वीर है वही बहुत कुछ कर गई। उसी की आंखों से दो रश्मियां निकली और सर में समा गई। इससे मैंने जांचा क्या कि शब्द है वो काम करते हैं। हम जब भगवान का नाम लेते हैं, खड़े होते हैं एक जगह पे, तो वहां का वायुमंडल उन अच्छे शब्दों से भर जाता है, वो ऊर्जा के रूप में वहां घूमता है। और जब आपको ये देखता है कि जब आप भगवान की पूजा उपासना करते हैं और आपकी कुंडलिनी शक्ति ऐसे जागृत होने की कोशिश करती है, तब वो जब तब वो साधन तब वो शब्द वहां पे जोर मारता है और वो आपकी ऊर्जाओं को बना देता है, आपको रिचार्ज कर देता है। तो ये इतना भेद इसमें है और इसको सूक्ष्मता से वैज्ञानिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, और पढ़े लिखे जितने भी आज मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा और ये भी समझ में आ रहा होगा कि मनु भैया इस जगत में क्या करने आए हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं एक ही काम करना चाहता हूँ, जो छोटी छोटी बच्चियों के सर घूमने लगे हैं और जिनको लागा डॉक्टर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं बिना बात के, उनको प्रेत बाधा होती है और बाद में वो वहीं ठीक होते हैं। आराम भी पड़ेगा तो वहीं पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ आराम भी नहीं पड़ता है, फिर भी वो इस बात पे खुले हुए हैं कि नहीं इनको ये नहीं है, जबकि वो 10-10 आदमियों के काबू में नहीं आते। और वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर 2 घंटे के बाद हाजिरी आके कहाँ चला जाता है तब पता नहीं चलता, जब वो अपने होश में आ जाते हैं। और टेस्टों में भी कुछ नहीं आता, फिर भी रोग घोषित कर देते हैं और दवाइयां खिला देते हैं, नींद की, नशे की, क्या क्या खिलाते रहते हैं आदमी के। फिर उन दवाइयों को खा के बिना रोग के क्या कितने और रोग पनपते हैं ये कोई नहीं जानता। तब इस तरह हम अपनी सारी पुरातन पत्तियों को त्याग चुके हैं और हम ये तक भूल चुके हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो ये तक कह चुके हैं तो आप देखिए। और इसके अलावा प्रेत पिशाच डाक चंडाल काल मारी मर ये नाम तो तुलसीदास जी अपने मुख से बताते हैं और बेताल अपने मुख से बता रहे, फिर भी हम नहीं समझ रहे। तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तुलसीदास जी कृत रामायण हम पढ़ रहे हैं, विश्वास भी सबसे ज्यादा उस पे कर रहे हैं। उनकी रामायण के अनुकूल ही हम राम का जो है राज्य करना चाहते हैं इस संसार में, इस जगत में परचम लहराना चाहते हैं। और हम श्रीमद् भागवत कथा पढ़ रहे हैं जो प्रेत के उद्धार में संपन्न होती है, और श्रीमद् भागवत कथा करने वाला एक भी आदमी आज तक इस धरती पर इस कलयुग में पिछले 40 वर्षों में श्रीमद् भागवत कथा अथा करोड़ों बार हो चुकी है और उन करोड़ों प्रेतों का उद्धार नहीं हुआ जो लोगों के शरीरों में धसे पड़े। तब मुझे तो लगता है कि कोई महात्मा आज तक मेरी तरह यहाँ यज्ञ करा थी, मैं तो महात्मा भी नहीं हूँ, शूद्र सा पक्षी हूँ जो अपने चंचू पुट से ये बात कहता है, अपने छोटे से मुख से एक बात कहता है कि अगर महात्माओं में दम है और उनकी इष्ट कृपा है उनमें और उन्होंने कहीं भक्ति की है तो इस संसार को चमत्कृत नहीं कर रहा है, ये कोई चमत्कार नहीं है। इस संसार की नकारात्मक ऊर्जाएं ताकि इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं भर दो, वरना तो तुम्हारा आना जाना व्यर्थ होगा, वरना तो इस संसार को छोड़ो, अरण्य कानन में जाकर कहीं अपना जप कीजिए, अपनी लंगोटी बांधकर। बस हमें हम को आपकी कभी कभी जरूरत नहीं है, ना फिर हमें कोई क्या कहते हैं, ना फिर हमें कोई 1008 स्वामी चाहिए, ना 108 स्वामी चाहिए, ना हमें किसी कुल संप्रदाय की आवश्यकता है। ठीक है, एक भी आदमी के शरीर का ये रोग नहीं निकल रहा है, और जिनको नहीं है ये पहले से, सुनो मेरी बात, वो तो नाम दान ले, दीक्षा ले, कुछ करे, ठीक है, वो ये समझते हैं कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन जिनको ये है वो कितने नाम दान ले, कितने छिपा के मंत्र ले, उनकी ना इतनी समस्या दिख जाती, ये मेरे से लिखवा लो, ठीक है। और इस दुनिया में अब मैं बता देता हूँ आपको, ये भी कह देता हूँ मैं आपको, मैं जो सबसे शुद्र हूँ इस सनातन का, उसने ऐसा यज्ञ कर दिया कि जिससे लोगों के दर्द भार कष्ट ठीक हो रहे हैं, और आज तक किसी पुराण पुरुष से, किसी युग पुरुष से, किसी बड़े महात्मा से, किसी संचालित ट्रस्ट के मालिक से ये काम नहीं हुआ। मेरे भारत की धरोहर घट गई जब मैं छोटा सा आदमी ये काम कर सकता हूँ, तो तुम सारे बड़े बड़े क्या नहीं कर सकते। जागो, अरे भारतवासियों जागो, सनातनियों जागो, तुम्हें पता नहीं है इन प्रेत आदि को के कारण, और हम इसको नहीं मानते हैं, हमारे भाई बंधु जाके क्रिश्चियन बन गए, आधा पंजाब
प्रेतादिकों से घिरा हुआ है और वो सारे क्रिश्चियन बन रहे हैं और सोए पड़े हैं सब, और ना चैनलों पे जादूगरों को बुला के ये दिखाया जाता है। अरे भाई तुमने चैनल पे जादूगर ही बुलाने हैं तो उन जादूगरों को बोलिए ना दूसरे कमर का दर्द ठीक करे, उसके घुटने ठीक करे, उसका ये ठीक करे। बस सबने एक बात मान लिया, ये सारे रोग डॉक्टरों के हैं, अब मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जब सारे रोग डॉक्टरों के हैं तो ठीक क्यों नहीं हो रहे, मुझे ये भी तो बता दो। फिर मंदिरों पे जाके लोग आगल पागल के बराबर में भी बैठ के कैसे ठीक हो जाते हैं? एक जल वाला बाबा है, मैं उसको निरामूरख मानता हूँ, उसके आगे भी बैठ के लोग ठीक हो जाते हैं। वो जल में भूख मारता है, बस डरा के रखता है, अरे तुम्हारी सारी बाधाएं भाग देती है। इससे भी कुछ बाधा भाग जाती है, तो एक दो साल पहले वो जमीन नहीं है और जो एक दो साल पहले आपके घर में आई हुई है। जब एक पागल बाबा ऐसा काम कर सकता है तो फिर कौन क्या नहीं कर सकता, ये बताओ जी। एक चीज बताइए, जल लीजिए थोड़ा ब्रेक के बाद, सबर कीजिए, सवाल अभी बाकी है। आप भारत के उस हिस्से में शनिधाम बनाकर बैठे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ एरिया है, यहाँ 50% लोग वापस चले जाते हैं, उनको एड्रेस नहीं मिल पाता है, पहला। दूसरा, आप कहते हैं कि इस मैदान निकालने की वजह से धर्म परिवर्तन करा देते हैं लोगों का, जो हिंदू लोग हैं। अब आप ऐसी जगह बैठे हैं और जब ये भारत 29 राज्य सात केंद्रीय शासित राज्यों का देश है जिसमें न जाने कितने जिले हैं, न जाने कितने नगर हैं, कितने कस्बे हैं, कितने गांव हैं, कितने मोहल्ले हैं, उन सबको जाकर कैसे ठीक करेंगे आप? क्या सभी राज्यों में अपना शनिधाम स्थापित करेंगे या चाहेंगे कि इसी धाम में सारी दुनिया आए? नहीं, मुझे सारी दुनिया बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिखा के भेजने वाला हूँ। एक, मैं अपनी कला तब तक किसी को नहीं सिखा रहा जब तक मैं उसमें पूर्ण रूप से पारंगत नहीं हो जाऊँ, और जिस दिन पारंगत हो जाऊँगा इतनी सी कसर और बाकी रह गई, मैं 90 डिग्री पर पहुँच गया। ठीक है, 90 डिग्री पर मुझे पहुँचना था, यूँ मान लीजिए थोड़ा सा तीन का भर एक दो कदम बाकी रह गया। ठीक है, बात रही सर घुमाने की, तो मैं चाहूँगा तो वो आधे घंटे में सबके भर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चीज नहीं कटेगी तब मुझे उसका खौफ होगा, भय होगा, और मैं जो है अपने आप को परेशान होता नहीं देखना चाहता। मेरी बहनें हैं वो परेशान रहेंगी, कष्ट में रहेंगी, तो मैं जानता हूँ मेरा हृदय कैसे रोएगा। मैं जो चीज पाना चाहता हूँ वो पूर्ण रूप से पाना चाहता हूँ। हालांकि ढिंडोरा मुझे पहले से पहुँचना पड़ेगा जब तक मैं शिखर पर नहीं पहुँचता, क्योंकि शिखर पर जाने से पहले अगर शिखर से थोड़ा नीचे भी झंडा दिख जाए तो बड़ी खुशी होती है। मंगलयान पर कदम रखने से पहले मंगलयान के इर्द गिर्द जब हम घूमते हुए दिखाई देने लगे हमारा यार, तो बड़ी खुशी हुई। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि इस संसार में इस विषय में मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई की है, लेकिन वो चढ़ाई एक दिन में नहीं हुई है, और उस चढ़ाई में सबका महत्व है। उस चढ़ाई में मेरी सभी माताओं बहनों का महत्व है जो मेरे पास बीमार आई थी, जो ठीक हुए, नहीं भी हुए शनिधाम से, वो अब भी ठीक हो सकते हैं आके यहाँ पे मुफ्त में, लेकिन अगर नहीं भी ठीक हुए तो भी वो मुझे कुछ सिखा के गए, जो ठीक हुई वे तो सब कुछ सिखा के गए, मेरे लिए जो नहीं ठीक हुई वे प्रेरणा स्रोत बनते गए, और मैं उसमें घुसता चला गया कि आखिरकार रोग ठीक क्यों नहीं हो गए। मेरे में तो कमी नहीं है, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, मैंने अपनी कमियों को खूब खदेड़ा, खूब निचोड़ा, और मैंने कंबल वाले बाबा की तरह अपने कंबल को निचोड़ के रखा। वो तो कंबल निचोड़े ना निचोड़े उन्होंने कभी धोया नहीं, मैंने अपने आप को निचोड़ के रखा, सारे मैल को निकाल दिया धीरे धीरे, अपने आप को धवल किया धीरे धीरे, और धीरे धीरे मैंने उनसे जो प्रेरणा पाकर, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, जैसे एक आदमी CBI में अधिकारी है, उनकी पत्नी को इतना दर्द था कि छूने से दर्द होता था, आज उनकी पत्नी बहुत बड़ी भक्त है, भगवान का भजन करती है और उनके सारे काम बन चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा हाजिरी भी आती थी, दर्द भी रहते थे। पुलिस वाले अफसर उनकी पत्नी को भी छूने भरते दर्द होता था, वो भी पत्नी ठीक हो गई उनकी। एक माता मेरे पास बहुत साल पहले आती थी छावला में, उनको इतना पैरों में दर्द रहता था, वो कुर्सी में बैठ के आई थी पहले नहीं, लेकिन आज वो कुर्सी में बैठ के नहीं रहती हैं, आज वो चलती हैं, 4 मंजिल का उनका घर है, अपने सारे काम करती हैं। तो मैं लोगों को ठीक होते हुए देख रहा हूँ भाई, मैंने देखा है कितनी माताएं बहनें ठीक होती है। कोई कोई तो आपके सामने आ जाता है जी, मेरे को 4 साल बाद हुआ है, बुखार तो 4 साल बाद भी चढ़ सकता है, चीजें भी 4 साल बाद आ सकती हैं। अब उस टाइम क्योंकि हम जप नहीं कराते थे बहुत ज़्यादा आप लोगों से,
तो आप कच्चे रह जाते थे, लेकिन अब तो मैं किसी भी तरह कच्चा छोड़ नहीं चाहता। आप ठीक हो 5 साल में, हो ठीक है ना, पूरे ठीक हो, आधे अधूरे से कोई मतलब नहीं है। बीमारी बहुत गंभीर है ओमपाल जी, सुशील जी आपने देख लिया, माँ से चीज बेटी पे आती है और पूरे घर में फैल जाती है। पहले पिता और माँ से चलती है, फिर बेटी पे आती है, फिर आगे चली जाती है, फिर आगे चली जाती है। और मेरे हिसाब से हमें एक आध क्वेश्चन पूछ के वो करना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। अहम सवाल बाकी है जी जी, पूछे पूछे। आज बुधवार है, आज का दिन बहुत अहम है और विवेक को जागृत करना है, और विवेक को जागृत करना है। और साथ ही आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि गुरु जी आज कुमारी कन्याओं का जप करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है, ये बेटी बैठी है, ये हाजिरी लेती है, ये कुमारी को है। अब एक बात बताइए, इसका शरीर घूमता रहेगा, हम इसकी शादी कब कर पाएंगे? ये अपना गृहस्थ जीवन कैसे चलाएगी? और चलो इसने विदुषी ही बन रहा है, तो ये भगवान के बारे में सीख कैसे पाएगी? जब ये भगवान का भजन करने चलेगी तभी इसका सर घूमने लगेगा, इसको दबाव करने लगेगी। तो डॉक्टर अब क्या है, इसको पेट बांधा, इसको गैस्ट्रिक बता दिया, और गैस बता दे 14 साल दवाई खिला दी। बताओ डॉक्टर कुछ जा रहा है भाई, उनको तो पैसा ही आ रहा है। मैं ये कहता हूँ ये डॉक्टर मेरे भारत के 14 लाख नहीं 1 लाख करोड़ रुपए के देनदार है मेरे भारत के, ये सारे डॉक्टर। पूछो क्यों, जो बीमारियां नहीं थी शरीरों में इन्होंने उनकी भी दवाइयां दी और वो ठीक हुए। जैसे अभी आप एक बात बताइए, एक बड़े हॉस्पिटल पे एक लेडी ने केस इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने उसको 25 लाख का खर्च बताया और वो 264 रुपए में जाके ठीक हो गई। वही बराबर बैठे हुए डॉक्टर से बताइए, 124 रुपए की दवाई ली, 264 रुपए का टोटल उसका खर्चा आया और वो ठीक हो गई। उसने केस कर दिया जी, उन्होंने इसी बीमारी के मुझे 25 लाख रुपए बताइए आप, इतना बड़े हॉस्पिटल तो ये देनदार है 1 लाख करोड़ नहीं पता नहीं कितने लाख करोड़ की, वो मैंने अनुमानित राशि बताई है पिछले 1-1.5 साल नहीं समझे। और डॉक्टर जो है वो ध्वल बना फिरता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, एक ही वर्ष में अरबपति हो जाता है, आपको पता है, आपको पता है वो लगाता भी अपनी डिग्री। पहली बात तो मेरे चिकित्सक बनना कोई खेल है क्या? चिकित्सक बनना यू समझो किसी मंदिर के पुजारी से ज्यादा कीमती है, चिकित्सक बनना यू समझो एक साइंटिस्ट बनना है, चिकित्सक बनना यू समझो क्या कहते हैं कि हमारे भारत का आधार है, अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो आधार क्या है भाई, नहीं समझा। चिकित्सक बनना भगवान बनना है, और भगवान बनना तुलना है इस संसार में, और वह तुल कैसे रहा है आज पता चल रहा है, बिना एनओसी के अंग बदले जा रहे हैं इतने सारे, जो अभी अभी की खबर देख रहा था मैं बड़े चैनल की टीवी टाइम्स की खबर देख रहा था, 84 सरकारी हॉस्पिटल और 284 प्राइवेट हॉस्पिटलों पे लाज गिरने वाली है, सीबीआई रेड मारने वाली है, और इसलिए क्योंकि उन्होंने कोरोना काल के दौरान बिना एनओसी दी। आज है, आज बात बताइए की विशेषता है, बुध की राशि कन्या है और मैं कन्याओं का जाप करता हूँ, लेकिन अब सबका ही करता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो सब मेरे बच्चे हैं। अब कन्याओं का इसलिए विशेषता अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है क्योंकि हमारे पास जितनी कन्याएं आती थी उनमें से 95% कन्याओं की हाजरी माजरी सब बंद हो गई, उनके दर्द कम होते जा रहे हैं, वो ठीक होती जा रही है, और मैं उनका रोज ही जप कर रहा हूँ, मैं रोज आना 2-4 घंटे उनका जप कर रहा हूँ जिससे उनको सबको लाभ होता है जी। सर बहुत बहुत जय शनिदेव माहौल का असर होता है जब आप गलत स्वागत में बैठते हैं तो गलत सोचते हैं, जब आप अच्छी स्वागत में बैठते हैं तो अच्छा सोचते हैं, ऐसा ही है सनातन वैदिक रीति का नियम, जब आप हवन पर बैठेंगे मंत्रों के बीच बैठेंगे तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, और सकारात्मक जब सोचेंगे तो आपके विचार सात्विक हो जाएंगे, सात्विक विचार जब हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी लाइफ हो जाएंगे और आप भी अच्छा
अच्छी राह पर चल पड़ेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप सकारात्मक सोचने के लिए सकारात्मक चीजों को देखें, मंत्रों को जपें, भगवान को माने, आस्था रखें और मनु भैया सनिधान जैसी अगर कोई जगह आपको नजर आती है तो वहां जाएं, और कहीं नहीं नजर आती है तो गुरुग्राम सुल्तानपुर झील नेशनल पार्क के सामने मनु भैया जी सनिधान बना हुआ है, यहाँ पर आइए हवन करने आइए, ठीक होने मत आइए, जो ठीक है वो हवन करने आइए, ठीक होता हो वो देखो। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर चित्रों की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी हवन कराया जाता है, इसके लिए भी आप यहाँ पर आइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।